ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। दिल्ली में भाजपा के सिख प्रकोष्ठ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन गांधी के सिख समुदाय पर दिए गए बयान को लेकर था। भाजपा नेता आरपी सिंह और अन्य सिख नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ उनके आवास के बाहर प्रदर्शन किया, जहां दिल्ली पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में भी लिया। आरपी सिंह ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारत को बदनाम किया और सिखों के बारे में आपत्तिजनक बयान दिए, जिसमें कहा गया कि सिखों को पगड़ी पहनने और गुरुद्वारे में जाने की इजाजत नहीं है। भाजपा नेताओं ने गांधी से माफी मांगने की मांग की है। राहुल गांधी माफी मांगो, क्योंकि उसने विदेश की धरती को यूं इस्तेमाल किया भारत को बदनाम करने के लिए। उसने विदेश में जाकर कहा कि सिखों के साथ यहां पर दोगला व्यवहार होता है, सिखों को पगड़ी नहीं बांधनी दी जाती, सिखों को कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, सिखों को गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जाता। राहुल गांधी अपने पिता का समय भूल गए, जब दिल्ली के अंदर 3,000 से अधिक सिखों का कत्ल कराया था उसके पिता ने। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।